E20 पेट्रोल 11 राज्यों में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते कि ये E20 पेट्रोल आखिर में होता क्या है और इससे क्या फायदा होगा। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि E20 पेट्रोल क्या है और इसकी क्या खासियत है। ई का मतलब है इथेनॉल और 20 का मतलब है परसेंट, यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिला हो उसे E20 पेट्रोल कहते हैं। इथेनॉल का परसेंटेज जितना बढ़ेगा उसकी संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस वक्त भी पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है लेकिन ये केवल 10% है। अब देश में 11 शहरों में भी 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध होगा। अब जानते हैं कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, इसे बायोमास से बनाया जाता है। ज़्यादातर इथेनॉल कॉर्न और गन्ने की फसल से तैयार किया जाता है, लेकिन शुगर वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। भारत में पहले से ही ऐसी चीज़ों की खेती बड़े स्तर पर हो रही है। अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोप और चीन के बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बना है। ऐसे में ऑटोमोबाइल के लिए बड़े स्तर पर इथेनॉल को देश में तैयार किया जा सकता है। अब जानते हैं पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से क्या फ़ायदा होगा। इथेनॉल इको फ्रेंडली ईंधन है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से पर्यावरण को कम नुकसान होगा। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर अधिक होता है, इसलिए इसे गाड़ियों और पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है। जब पेट्रोल को इथेनॉल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड कम पैदा होती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को भी कम करता है। इसके अलावा इथेनॉल हाइड्रोकार्बन के एमिशन को भी कम करता है। इथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है। इथेनॉल फ्यूल को इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन में भी कमी आती है। अब जानते हैं कि सरकार और किसानों को क्या फायदा होगा। इथेनॉल के इस्तेमाल से सरकार पर पेट्रोल आयात का बोझ कम होगा और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण से 41,500 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन में 27 लाख टन की कमी आई है। अब जानते हैं कि किन वाहनों को होगा इसका फायदा। भारतीय सड़कों पर अभी ऐसी ज्यादा कारें नहीं है जो E20 पेट्रोल मिक्स को हैंडल कर सके। फिलहाल ह्युंडई मोटर इंडिया की क्रेटा, वेन्यू और अल्कज़ार SUVs ऐसी कारें हैं जो E20 पेट्रोल से चलने में सक्षम हैं।